Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good and staying safe at your home. Chapter number 5, Multiples and Factors. Today's topic is Common Multiple. Common Multiple. So, common multiple means what, children? Common multiple means जो common होते. It means 3 के table में जो number आते और 4 के table में जो number आते, दोनों में जो नंबर आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल. राइट? कैसे? हम सबको पता है कि हमने एक स्टोरी देखी थी. राइट? रिकॉल द नंबर ऑन विच मिस्टर फ्रॉगी एंड मिस्टर रैबी जंप. हमें पता है मिस्टर फ्रॉगी ने कौन से नंबर पे जंप किया था और मिस्टर रैबी ने कौन से नंबर पे जंप किया था. राइट? सो मिस्टर फ्रॉगी ने कौन से नंबर पे जंप किया था? जंप ऑन द मल्टीपल ऑफ 3. उसने 3 के मल्टीपल्स पे जंप किया था. और 3 के मल्टीपल कौन से? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. और मिस्टर रैबी ने जंप किया था मल्टीपल ऑफ 4s पे. ओके? मल्टीपल ऑफ 4s पे जंप किया था. इट मींस 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24 and 20. ये सब क्या है? टेबल्स है. 4 का पूरा ये टेबल है. अभी देखो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से? 3 में एक नंबर है 12 और 24. 4 में भी नंबर है 12 एंड 24. 12 एंड 24 ये दोनों में आते हैं. 3 के टेबल में भी आते हैं और 4 के नंबर 4 के टेबल पे भी. इसका मतलब क्या है? वो दोनों क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल्स. वी सी दैट बोथ ऑफ देम जंप ऑन 12 एंड 24. मिस्टर फ्रॉगी ने भी 12 पे और 24 पे जंप किया और मिस्टर रैबी ने भी 12 और 24 दोनों पे जंप किया. इट मींस वो क्या हो गए? हमारे कॉमन मल्टीपल्स. ओके? A number that is multiple of two or more number is called the common multiple. इसका मतलब क्या हुआ? जो number है, a number that is multiple of two or more number, एक number है जो दोनों का multiple है, एक से ज़्यादा भी वो multiple है किसी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Common multiple. See here, 3 × 5, okay? 15. 3 के table में भी 15 आता है, 5 के table में भी 15 आता है, right? Now, अभी हम देखते हैं 3 के टेबल में भी 5 आता है और 5 के 3 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के टेबल में भी 15 आता है. तो 15 इज अ व्हाट? 15 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल. सॉरी, 15 इज अ कॉमन मल्टीपल. राइट? सो हियर सी, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5. हमें क्या करना है? 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 का टेबल, उसके बाद हम लिखेंगे 5 का टेबल. तो 3 का टेबल है 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. और 5 का टेबल क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 30, 50. सी, इसमें से कौन से जो नंबर है जो दोनों में आ रहा है? एक तो 30 आ रहा है, ठीक है? दोनों में, यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, और एक तो आ रहा है 15, इसमें ये रहा. सो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, दोनों के कॉमन मल्टीपल क्या है? 15 और 30. समझ में आया कॉमन मल्टीपल व्हाट चिल्ड्रन? कॉमन मल्टीपल मींस वो एक से ज्यादा दोनों में आ रहे. अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर. ओके? वो एक के मल्टीपल नहीं है, वो एक से ज्यादा दो नंबर के मल्टीपल है. इसके उसके हम क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल्स. नाउ एक्सरसाइज 5.2, इसमें आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? लुक एट द नंबर गिवन बिलो. इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, टिक द ग्रीन, टिक द सर्कल अबोव इट. इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 6, टिक राइट द सर्कल बिलो इट. नाउ राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6. आपको क्या करना है? जो नंबर 3 का मल्टीपल होगा उसके ऊपर ग्रीन कलर से आपको राइट करना है, जो मल्टीपल 6 का होगा उसके ऊपर रेड कलर से करना, और जो दोनों में होगा वो क्या होगा? वो 3 और 6 के कॉमन होंगे. ठीक है? B, write the first and multiple of the following pairs of number to find their common multiples. इसका मतलब क्या करना? 2 का टेबल लिखना 2 से 10 तक, 3 का टेबल लिखना पूरा, फिर दोनों में फाइंड करना कि कौन से नंबर, कौन सा मल्टीपल दोनों में आता है, और वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स. ओके? लाइक आई विल शो यू हाउ. सी हियर, सी चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिखा और यहाँ पे 3 का टेबल लिखा, ठीक है? हमें क्या करना? कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना. कॉमन मल्टीपल्स व्हाट? जो नंबर 2 में भी हो और वही नंबर 3 में भी हो. तो सी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30। तो देखो ऐसे कौन से नंबर है जो 2 में भी है और 3 में भी है। तो 2 में है 6, I'll circle on it, 3 में भी है 6, right? Now 12 है 2 में, yes, और 3 में भी 12 है, मैं उस पर क्या कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ, राइट। नाउ कौन सा नंबर है, 18, 18 2 में भी है और 3 में भी है। सो 6, 12, 18 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 6, 12 एंड 18 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3, कॉमन मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, सॉरी 2 एंड 3, राइट। सो इन दिस वे आपको 5 और 10 का फाइंड करना है, 4 और 6 का फाइंड करना है, 3 और 9 का फाइंड करना है और 7 और 8 को, ठीक है। तो ये वर्कशीट आपको कहाँ पे लिखनी है, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।